वेलकम टू एजुकैन। आज क्लास आम जो सीरीजटा कंटिन्यू करूचे जो थे आम प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चंस को डिस्कस करूचे से सीरीजटा को ही आम कंटिन्यू करवा। आज क्लास आम सीजीएलई ओएसएससी सीजीएलई पढ़ुवा पैटर्न रो क्वेश्चंस डिस्कस करवा। आमती आम कि ग्रामर रखी था कि फ्रेजल वर्ब कि इडियम्स आउ वोकैबुलरी ये सब जिन प्रिपोजिशन कंजक्शन मिक्सचर ऑफ मिसलेनियस ग्रामर रो क्वेश्चनटा से आम डिस्कस करवा। जदि आ पूर्व यहाँ तो क्लास नंबर 5 आ पूर्व जदि आउ चारटा वीडियोस या क्लासेस को आप अटेंड न करते डेफिनेटली प्लेलिस्ट जाके आपण से सब क्लासेस पूरा पाई। द ओनली पर्पज ए सेशन नबार हो कि आगो को एग्जाम आसूची आ 10-12 दिन रे एग्जाम तो जदि आम 25-30 मिनिट्स भितर क्वेश्चनटा सॉल्व कर दौचे आटा को एमती कर कि गोटे वीडियोस गोटे सल्यूशन देखला बेला बिकज दिस इज गोटे एमती फुल फ्लेज क्लासरूम नुहे एथिरे गोटे मु मॉक टाइप रो कर दौचे कि एतिकी मिनिट्स भितर वी आर डूइंग दिस मच नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेटा गोटे प्रैक्टिस सेक्शन टाइप रो आ प्रैक्टिस सेक्शन टाको प्रैक्टिस सेक्शन भला ही कौन करबा डील करबा आमे पेन एंड पेपर वीडियो देखला बेले पेन एंड पेपर नहीं कि बसवा वन स्क्रीन रे क्वेश्चन डिस्प्ले हैला क्वेश्चन टा स्टार्ट करो आउ स्टार्ट कर सारा निजे सबको सॉल्व कर दियो विद इन 5-10 सेकेंड्स भितर तापर वीडियो को पुणी प्ले कर सल्यूशन टा देख। सबुठ इंटरेस्टिंग हम कि जितेबाला तुम्हें सपोज आज आम 15-16 क्वेश्चन सॉल्व करवा तुम्हें तुम स्कोर टा देख तुम स्कोर टा को इवैल्युएट कर कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस तुम्हें केते एग्जाम मैंने आज गोटे मॉक रे तुम्हें स्कोर कल सेटा निश्चय कमेंट सेक्शन रे जनइब बिकज मु समस्त कमेंट्स पढ़े आउ जहाँ भी फिडबैक् दि जाऊपर भी मुझे रिकनसीडर करुच्ची सेन्टेन्स आउ क्लॉजेस उपर क्लास करिया को कहुई बहुत शीघ्र नहीं कि आसबि जहाँ भी सब डाउट्स जदि अच्छी क्वेश्चंस रो कमेंट सेक्शन रे जनइ पार आउ मोस्ट इंपोर्टेंटली क्लासेस करुवा स्कोर को आउट ऑफ 15 जदि 12-13 प्लस तुम रखुच देन यू आर डेफिनेटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम आउ जदि न रखी पारना कौटी भूल करुच कौटी ग्रामरटा चुकी जाऊे आम कौन करवा एनालिसिस करिया बिकॉज़ सबू एनालिसिस वीडियो रे अच्छी सल्यूशन स्लाइड्स रे भी मु एवरीथिंग मेंशन करके दे छी। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहू छी सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम निटी ग्रिटी। ऑप्शन ए कहू छी डीपली इरिटेटिंग समवन। ऑप्शन बी कहू छी द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रैक्टिकल डिटेल्स। ऑप्शन सी कहू द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर। ऑप्शन डी कहू टू एडमिट वन वाज रॉन्ग एंड देन एक्सेप्ट द ह्यूमिलेशन। ओके ताहले जदि आम आर कौन करवा मीनिंगटा जानापी चाहिए तेल निटी ग्रिटी मीनिंग हो द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जितेबाला आम कि भी गोटे सिचुएशन को एनालाइज करुचु कि गोटे सिचुएशन विषय डिस्कशन कौचु जो माइन्यूट माइन्यूट प्राक्टिकल डिटेल्स आम फोकस करूँ कि जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुराक आम कौन करूँ नोट करूँ से जिनसटा को कौन कह जाए निटी ग्रिटी तेल आर करेक्ट ऑप्शन कौटा होप्शन नंबर बी हो मोर करेक्ट ऑप्शन। ओके ताले ऑप्शन नंबर बी है जीवा मोर कौन राइट ऑप्शन। ओके ओके ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहू छी ऑन क्लाउड 9 सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गुड नंबर ट्रैवल बाय एयरप्लेन एक्सट्रीमली हैप्पी आउ कौन हेवी रेन। एटा बहुत ही इजी इडियमटा जदि आम क्लीयरली इडियमटा को बहुत थर तुम यूज भी कर एक्सट्रीमली हैप्पी सिचुएशन को आम कौन कहू हि इज ऑन क्लाउड 9 मैंने जो गोटे लोक बहुत खुशी हो जाए आम रिजल्ट बाहर आम बहुत खुशी हो गले आम रिजल्ट को देखिक कि आम सक्सीड करचे कि कंपिटिशन आम बहुत जीती जाइए तो आम जिते जो आम एक्साइटमेंट आम हैप्पीनेसटा एक्सप्रेस करू से ही सिचुएसनटा को कौन कहते अन् क्लाउड 9 तो आर करेक्ट ऑप्शन है जीवो ऑप्शन नंबर सी दैट इज एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके मीनिंग टा लिखी दे थी वो क्लाउड 9 नाउन क्लाउड 9 रो कि एक्सट्रीमली हैप्पी आउ जदि एग्जांपल कहबो ही इज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द कंपटीशन। ऑन क्लाउड 9 रो एठी कोन हिची यूसेज हिची कि कंपटीशन जीति सल्ला परे से बहुत खुशी हिची और से बहुत एक्साइटेड हे जाइची सेति लागि से आमे एठी कोन यूज करले क्लाउड 9। कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3
वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री एठी हमको वन वर्ड फ्रेज जोटा मुझे वन वर्ड आंसर्स गुरा पचारा जाए कि गोटे सेंटेंस दे दी थी तो वन वर्ड रे एक्सप्रेस करले तारो कौन आंसर थाए से टाइप रो क्वेश्चन रेटा गोटे तो जी जाए कि बाहर कंट्री रे सेटल हो जाए ताकु हमें कौन कहू इमिग्रेंट वर्सटाइल टिटो टेलर एंड कॉस्मोपॉलिटन ए चारटा जक ऑप्शन रो जदी मीनिंग जणा थिबो देन यू विल बी एबल टू डू आर तो आंसर मुझे कहीदे आर आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर तो मान्य हूँ जी कौन करे वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री ताकु हमें कहबा इमिग्रेंट आउ जदि आमे गोटे एमिग्रेंट आउ इमिग्रेंट भितर बहुत ही कन्फ्यूज हो एमिग्रेंट रो माने होची वन हु लीव देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन जी निजर जो कंट्री रो सी ओरिजिन से ही कंट्री छाड़ी कि जितेबल सी अन्य कंट्री को जाए ताकु आमे कहबा कौन सी होची जड़े एमिग्रेंट बट एठी क्वेश्चन कौन करथिला वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री ताकु कुआ जाए इमिग्रेंट वर्सटाइल माने होची कौन डाइवर्स डाइवर्स इन यूज जी बहुत वैरायटी जगह रे अडॉप्ट करा जाई पारे कि वैरायटी जितेबल आमे कहू कि वर्सटाइल सिंगर ता माने से डिफरेंट जोन रो गीत गाई पारे सेतिलागे आमे ताकु कहू वर्सटाइल सिंगर वर्सटाइल लैंग्वेज भी लोक जानी था जो मैंने बहुत प्रकार कौन था लैंग्वेज अकस्टम्ड था टिटोलर माने कौन टिटो टेलर माने हो द पर्सन हु अब्सट्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग जो लोग बिल्कुल भी केवे ड्रिंक करें इटी बाय ड्रिंकिंग माने अल्कोहल ऑब्वियसली तो जिते बड़े जो मैंने ड्रिंकिंग को कम्प्लीटली कौन करती डिनाय करती जो मैंने केवे भी नेवर ड्रिंक इन देयर लाइफ तुम्हें टिटो टेलर बोली कहूँ कॉस्मोपॉलिटन हो पर्सन हु इज हाइली इनफ्लुएंस बाय द कल्चर एंड द ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड रे फॉलो करा जाउथुबा कल्चर ट्रेडिशन को जो लोग मैंने कौन करती बहुत पैटर्नाइज करती जो मैंने बहुत इनफ्लुएंस थांती से जिनसर आम कौन कहू कॉस्मोपॉलिटन तो ये आम क्वेश्चन रो आंसर कौन हो इमिग्रेंट ओके आर पूरा जो वर्ड रो चारटा जाक जो वर्ड आम ऑप्शन रे देइतिला आ गोटे एक्स्ट्रा वर्ड इमिग्रेंट जहाँ को आम इमिग्रेंट संगे कन्फ्यूज करूँ से वर्ड रो मीनिंग भी मुझे देदेची चाहिए जिनसर कौन कर पार स्क्रीनशॉट नहीं जाई पार अदरवाइज ताको आम निज नोट रे भी कौन कर पार मेंशन कर दबा ठीक अच्छे नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड गला क्वेश्चन नंबर फोर द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज नोन एज बहुत सुंदर हैंडराइटिंग रे जो मैंने लिखी पारंती जो मन कर से आर्ट ता था कि से मैंने डिफरेंट ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग्स रे लिखी पारंती से जो आर्ट ता को कौन कहा जाए कार्नेज कोरियोग्राफी कैलीग्राफी एनेस्थेसिया एटी तुम्हें दुटा वर्ड भितर कोरियोग्राफी आम समस्ते जाचु डांस डांस को जो मैंने कोरियोग्राफ करती आम कोरियो से आर्ट ता को आम कोरियोग्राफी कहू एनेस्थेसिया आम जाचु जोटा नहीं सारापर आम बडी सब पार्टा कौन हो जाए सेनसेसन को फिल कर पारे जिते बारे दांत रूट केनाल करने गला बेले आमको डेंटिस्ट कौन करती एनेस्थेसिया दिखती सो दैट कि आम जो रूट केनाल होगा से जगार सेनसेसन मैंने आम कि फिल कर पेन फिल कर पारानीतापुर आसला कार्नेज और आसला कैलीग्राफी अच्छा कार्नेज कौन कार्नेज हूँ कार्नेज रो मीनिंग होची गोटे डिस्ट्रक्शन अ सिचुएशन ऑफ हाई डिस्ट्रक्शन एंड डेथ माने जेते बेले गोटे माने वॉर लाइक जोन जोटी थिबो जोटी की हाईली जिनस कोन होतबो डिस्ट्रॉय होतबो डेथ होतबो से सिचुएशन को हमें कहबा इट्स अ कार्नेज सिचुएशन कोरियोग्राफी हमें जानिचु एन एक्शन ऑफ कंबाइनिंग मूवमेंट्स टू डांस डिफरेंट टाइप रो बॉडी मूवमेंट्स को कंबाइन करके गोटे डांस को कोरियोग्राफ कर दबा से आर्ट को होची कोरियोग्राफी कैलीग्राफी रो माने होची द आर्ट ऑफ हैविंग अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग गोटे बहुत सुंदर हैंडराइटिंग जो मानकर आर्ट थाए करिपरिबार तांकु से आर्ट टाक आम कैलीग्राफी बोली कहू एनेस्थेसिया माने टेम्पररी लॉस ऑफ बॉडी सेंसेशन जिते टाइम पर्यंत से एनेस्थेसिया इफेक्ट थी आम बॉडी जो पार्ट्रे आम से ये कराइव इंजेक्ट कराइव से बॉडी पार्ट्रे आम टेम्पररी सेन्स करानी पेन हो कि एनी टाइप ऑफ जहाँ भी ताप ये कराब से बॉडीटा से टाइम पर्यंत से सेंसेशन टाक फिल करें चार्टा जाक ऑप्शन रो मीनिंग गुरा भी जान लो चार्टा जाक ऑप्शन रो यूसेज कौन जान लो आम ये गोटे आमको ऑप्शन दरकार था दैट इज कैलीग्राफी बट ताक रिलेटेड आम बाकी चार्टा ऑप्शन रो कौन कले मीनिंग जापारे दिस इज द वेरी गुड वे ऑफ
लर्निंग वोकैबुलरी जितेबले भी वोकैबुलरी हो सिनोनिम हो एंटोनिम्स हो वन वर्ड फ्रेज हो यही सब जिन गुरा जिते बड़े क्वेश्चन आम करवा आम जी जी बेस्ट वे ऑफ लर्निंग हूँ कौन कि आम से ऑप्शन को राइट ऑप्शंस कला परे जो रेस्ट ऑफ द वोकैब्स गुला भी देथिबो तार भी मीनिंग को आम कौन करदे जाणीदबा सो दैट कि से रिलेटेड मीनिंग आउ को क्वेश्चन आसे आम इमीडिएटली से क्वेश्चन टाक फ्रेम कर मैंने आंसर कर पारिबा पर्टिकुलर प्रॉपर्ली ओके कमिंग टू अ क्वेश्चन नंबर 5 से कहूँ सिलेक्ट द वर्ड व्हिच इज करेक्टली स्पेल्ड को वर्डटा ये करेक्टली स्पेल्ड हो चार्टा जाक ऑप्शन दे देट करेक्ट ऑप्शन हूँ ऑप्शन नंबर डी दैट इज कंटिजियस कंटिजियस माने कौन ना जितेबले गोटे पार्ट गोटे लैंड रार्ट अच्छी कि गोटे ओशन रार्ट अच्छी आउ गोटे जियोग्राफिकल पार्ट अच्छी जितेबले से दुटा जाक पार्टर बाउंड्रीटा जोटा जोटा से दुजन को सेपरेट कर दिए कि गोटे पार्टर बाउंड्री आउ गोटे पार्ट को टच करता है से पोर्शन टाक आम कंटिजियस कहू तो तार मीनिंगटा लिखि नब सेयरिंग ए कमन बॉर्डर और टचिंग गोटे कमन बॉर्डर शेयर करवा कि इच्छेदर पार्ट को जो लाइन रे से टच करती से पार्ट को आम कंटिजियस कहू एग्जाम्पल रेटा लिखि नब द साउदर्न ओशन इज कंटिजियस विद द अटलांटिक तो एग्जाम्पल आम यहाँ आम कौन कहीपर ए साउदर्न ओशनटा क्या सागर कमन बॉर्डर शेयर करुच्ची द अटलांटिक सागर से कंटिजियस मीनिंग आमको कौन आसीज क्लीयरली जमापड़ Then coming to question number 6, the magician said that it was for the first time that such a trick is discovered. A no rati hai jai chi, it a no error haba. To option B, option B, option C, option D, chatta jaka option dehi thi bo A, B, C, D, ko part of the sentence rati error achi. बिफोर जो पार्ट जो सेंटेंस को हमें सॉल्व करिबार पूर्वरु प्रथम हमें देखिबा कि ए सेंटेंस रे देखो ए जो पार्टा इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम एटा हो मो सेंटेंस रे कौन एटा हो मोर मेन क्लॉज माने सेंटेंस रो सही पार्ट जोटा कि इंडिपेंडेंट थाए ऑफ अदर पार्ट सबको हमें मेन क्लॉज बोली कहो छु एटी देखो एटा ऑलरेडी को टेंस रे अछि जदी देखिबो इट इज इन द पास्ट टेंस ता उपरे जो क्लॉजटा डिपेंडेंट अछि ताको हमें कौन कहबा सबऑर्डिनेट क्लॉज ता उपरे को क्लॉज डिपेंडेंट अछि दैट सच अ ट्रिक is discovered this part of my sentence is dependent on whom it was for the first time sethi lagi subordinate clause ta jadi main clause already sentence re past tense re achi tale subordinate clause bi sentence re past tense hoba pai ki kon achi mandatory but amuko sentence re kon dei deichi is dei deichi tale error amar ko part re hi gala part c re hi gala is discovered no hai ki eta kon hobar thila was discovered hobar thila answer hi thanta the magician said that it was for the फर्स्ट टाइम दैट सच ए ट्रिक इज वाज डिस्कवर्ड ताहले ए एरर ए जो सेंटेंस टा हेतांता नो एरर बट जेहेतु अमर सबऑर्डिनेट क्लॉज टाकु प्रेजेंट टेंस रे कर देला इनस्पाइट कि अमर मेन क्लॉज कोथरे अछि पास्ट टेंस रे अछि सेथि लागि सेंटेंस टा कोन हे गला एरर हे गला ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ओके एटी गोटे छोट ब्रेक नबा मुद कि डिफरेंट सीजीएलई पैटर्न को फॉलो करी डिफरेंट क्रैश कोर्स और डिफरेंट टेस्ट सीरीज एजुगैन रे प्लेटफॉर्म रे अवेलेबल अच्छी जदि ए टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने चाहूब जदि आउरी निजर स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ायापी चाहूब डेफिनेटली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज देयर फॉर यू फ्लैट 30 कोड यूज कले यू विल गेट 30% डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर परचेज व्हाट यू आर डूइंग तो एटा तुमको आउरी निज एग्जाम को कौन कर निजर एग्जाम स्कोर को एनहांस करने कि डेफिनेटली तुम कौन कर हेल्प कर आउ गोटे इम्पोर्टेंटली हूँ कौन आम एग्जाम टाइम रे कौन था जब बहुत अंडर प्रेशर थाउ तो से आम जापरना कि आम पूरा एकदम पैनिक कर जाऊ कि आमको कौ पार्टा पढ़ा कथा कौ पार्टा न पढ़ा कथा तो जितेबाला आमको गोटे बनी बनाया गोटे कौन गोटे कंक्रीट मटेरियल आमको अवेलेबल हो जाए आईटा को जो रेगुलरली प्रैक्टिस करूँ से स्पीड और एक्यूरेसीटा बहुत इंप्रूव करते जो रिफ्लेक्ट हुए आम रिजल्ट आम एग्जाम सो सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड फॉर यू इफ यू आर इंटरेस्टेड then get enrolled to any of these programs. Coming to question number 7. I wanted to see her for dash minute. I wanted to see her for dash minute. तो एठी हमें को वर्ड टा यूज करिबा एठी हमको कहै छी द फ्यू अ लॉट्स ऑफ
ऑफ यू एंड सम। अच्छा ए टाइप रो क्वेश्चन सब बेले रेगुलरली एग्जाम रे देखिया को पाऊ हमें द फ्यू ऑफ यू अ लॉट्स ऑफ सम ए सब वर्ड्स को आसी गले हमको डेफिनेटली सब बेले कौन हुए कंफ्यूजन हुए ताले ता पर को क्वेश्चन को सॉल्व करबा पूर्वरु हमें ए पर्टिकुलर वर्ड्स को कोठी कोठी यूज होंते तांकर यूसेज ते आगे जानि देबा तापर हमें डेफिनेटली विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन। ओके ताले देखो द फ्यू टा कोठी यूज हुए देखो द फ्यू टा हमर कोठी यूज हुए नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दोज माने बेसी वो क्वांटिटी नथिबो बट जेति की अछि सेति की को जदि हमें पूरा कंसीडर करू छु सेते बेले हमें द फ्यू टा यूज करू। एग्जांपल देखो एग्जांपल रे कोन कहू छी ही वांट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन तमाने जेती की समय भी ता पाखरे अछि सेती की टाइम को से सॉलिट्यूड माने एकांत रे स्पेंड करिया को चाहे आउ कोन करे पे चाहे से मेडिटेशन करे पे चाहे तमाने आमे जानिनु वेदर ता पाखरे जो थिबा समय ता कम अछि कि तार सेटा लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ कि कोन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट टाइम इज से टाइम ता बहुत कम कि बहुत अधिका व्वेन नो सच इनफर्मेसन इज गिवेन बट ताकि जितकी भी टाइम अच्छी से टोटल टाइम टाक कौन एंगेज करने चाहूँ टू रिमेन इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन जिते बड़े ए टाइप रो मीनिंग गोटे सेन्टेन्स बनु थो से द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज कहार हम द फ्यूर हम जार मान हूँ नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दोज ताने मानने बहुत नथिबो ऑब्वियसली तर क्वांटिटी सब स्मॉल थिबो किंतु जहाँ भी थिबो से टोटल टाकू कौन कर भितर कंबाइन कर दो थिबो तापर आसिला ए लॉट्स ऑफ सब यूज हुए फॉर ए लार्ज नंबर क्वांटिटी और वेरी मच जितेबले भी हमें लार्ज नंबर कि लार्ज क्वांटिटी किंबा बहुत बहुत को हमें जितने रिप्रेजेंट करू से हमें ए लॉट्स ऑफ यूज करू। एग्जांपल देखिबा आई वेंट टू शॉपिंग एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी मु शॉपिंग रे जाई थी और बहुत पैसा उड़े दे कि खर्च कर दे कि आसली तले से ही सेन्स कौन यूज करूचे ए लॉट ऑफ यूज करूचु जितेबले ऑफ यू आसीबो एथरे पिला बहुत कंफ्यूज होंते कोठी ऑफ यू यूज करबा सम और अ स्मॉल नंबर ऑफ जितेबले सम को हमें डिनोट करूथबा कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को हमें डिनोट करूथबा सेतेबले हमें ऑफ यू यूज करबा जेमिति एग्जांपल करो आई कुड आंसर ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन ता माने मु परीक्षा रे बहुत कम क्वेश्चंस ही कोन करि पाइली अटेंड करि पाइली जितेबले हमें स्मॉल नंबर को कि सम नंबर को डिनोट करूथबा सेतेबले हमें ऑफ यू यूज करबा द फ्यू कोठ यूज करबा जोठी स्मॉल नंबर थिबो स्मॉल क्वांटिटी थिबो बट जितकि थिबो से टोटल पार्टा कोन जाउथबो एंगेज हे जाउथबो सेतेबले हमें द फ्यू यूज करबा क्वेश्चन रो एग्जांपल्स को जदि तुम नोट करमें निज मदर टंग में बुझे जावाक चेस्टा कर तुम वर्डर यूसेज को इमिडिएटली कौन करतापर आसला गोटे एनी एनी अच्छी एनी सब बड़े कौन नेगेटिव सेन्स यूज हुए किंबा इंटरोगेटिव सेंटेंस रे भी से यूज हुए जमीती कि वी डू नॉट हैव एनी टाइम टू गेट पॉपकॉर्न बिफोर द फिल्म स्टार्ट हवा पूर्व आम पाखे बिल्कुल भी टाइम ना कि आम जा पॉपकॉर्न किणी तो जितेबले भी नेगेटिव रो कॉन्टेक्स्ट रे आसे सेतेबले एनी यूज हुए एनी गोटे नेगेटिव सेन्स में कि यूज करा जाए आउ इंटरोगेटिव सेंटेंस रे भी यूज करा जाए डू यू हैव एनी पेन कि को भी जितेबले गोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस रे आमे जदि पचारुथुबा सेतेबले भी आमे एनी रो यूसेज देखिचे बहुत जगह रे आउ नेगेटिव आउ पॉजिटिव सेंटेंस रे एनी रो यूज हे गला माने सेटा सबबले गोटे कोन नेगेटिव मीनिंग टे क्रिएट करे नेगेटिव सेंस टे बनाए एग्जांपल रे क्लियरली मेंशन अछि वी डू नॉट हैव एनी टाइम त माने कोन वी हैव नो टाइम बिफोर द फिल्म स्टार्ट आमे जाई कि पॉपकॉर्न आनी परबा वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम आल्सो तो ए नेगेशन टा को एक्सप्रेस करे पैं कि हमें कौन यूज कर छे एनी यूज कर छे तो जदि हमें चारटा जको मीनिंग रो चारटा जको ऑप्शंस रो मीनिंग जानी गले ताले अभी का हमें फोनी क्वेश्चन को आसीबा आई वांटेड टू सी हर डैश टाइम ता माने मु तको बहुत कम समय पैं कि देखिया पैं कि चाहू छी ताले द फ्यू रो दर ठीक छी सेंस बनुनी ए लॉट्स ऑफ रो सेंस बनुनी सम आउ ए फ्यू रो सेंस बनुची मोस्ट एप्रोप्रिएट ठीक कौन हबो ऑफ यू हबो पर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम पैं कि फॉर अ वेरी a few seconds or a few minutes pain ki mutike ta ko dekha kariya pain chaunchi that is where it more appropriate ki hobo a few hobo jodi a few nathibo tale sam bi ethi thik hei paribo I wanted to see her for some time tapra asiba ame question number 8 ko I prefer
हिंदी सॉन्ग्स डैश तेलुगु सॉन्ग्स एठी हम कोन यूसेज करिया को कहै छी वी हैव टू यूज आइदर टू फॉर विथ और फ्रॉम देखो जत्ते बेले भी प्रेफर टू यूज हुए प्रिफर टू रो मीनिंग होची व्हेनेवर यू चूज समथिंग और समवन ओवर समथिंग यदि दीटा जिनस भितर आमको चूज करिवार अछि आ आमे गोटे जिनस को अन्यर ऊपर चूज करूछु माने अन्यठु ए जिनसटा को अधिक प्रायोरिटी देके आमे फर्स्ट जिनसटा को चूज करूछु सेते बेला आमे प्रिफर टू यूज करू ताले एठी कोन प्रिफर फॉर विथ फ्रॉम द माने सब किछ डायरेक्टली जाना पडुछि के जगह रहि परिबनी हिंदी सॉन्ग्स को से प्रिफर करूछि ओवर तेलुगु सॉन्ग्स ताले कोन हे जेबो प्रिफर टू जत्ते बेले भी दीटा जिनस भितर जिते बेले भी दीटा जिनस भितर कौन आसे आमको चूज करिवार टाइम आसे सेते बेले आमे देखु कि आमे जदि गोटे जिनस को अधिक प्रायोरिटी दोउछु अन्य अन्य जिनस उपरे सेते बेले आमे प्रिफर टू रो प्रिपोजिशन कौन करू यूज करू तापर आसला क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन ही गेट्स होम हिज वाइफ डैश एट द गेट वेटिंग फॉर हिम ए क्वेश्चन को निजे करो टिके टाइम नियो और ए क्वेश्चन को निजे सॉल्व करया को चेष्टा करो व्हेन ही गेट्स होम हिज टाइम हिज वाइफ डैश एट द गेट वेटिंग फॉर हिम क्वेश्चन रो माने कोन कहू छी जते बेले भी से घर को जाए ता वाइफ ता लागे गेट पाखरे ठिया है थाए मने रखी था जेते बेले भी क्वेश्चन को देखी कि आमको लागुचे कौन कि एठी एमती लागुचे कि आमे एठी विल सिट कि विल बी सिटिंग बेसी अप्रोप्रिएट हमको विल बी सिटिंग बोली लागुचे व्हेन ही गेट्स होम हिज वाइफ विल बी सिटिंग एट द गेट वेटिंग फॉर हिम ना जेते बेले भी सिंपल प्रेजेंट टेंस जदि टेंस रो टिके बहुत आइडिया थिबो तमे जानिथिबो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कोठी हुए जेते बेले भी व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ जितेबले गोटे एक्शन कौन होची राइट इज हैपनिंग राइट नाउ और इन अ स्टेट टू आस्क समथिंग अबाउट थिंग्स इन जनरल और व्हेन इट हैपेंस इन रेगुलर और इनक्रीजिंगली जितेबले भी गोटे जिनस रेगुलरली होतबो किबा गोटे जिनस नाउ माने देन एंड देयर से जिनसडा होतबो राइट नाउ से जिनसडा ऑकर करतबो सेतेबले हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करू क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन रो मीनिंग को बुझले आंसर इमीडिएटली मिल जिवो व्हेन ही गेट्स होम जितेबले भी से घर को जाए ता वाइफ रेगुलरली कोन करची ता लागि गेट पाखरे वेट करूची तो ए जो एक्शन ऑफ वेटिंग नियर द गेट एटा कोन तारो मोमेंटरी ना केबे केबे होउची ना सबुबेले से करूची कामटा रेगुलरली जदि सबुबेले से कामटा रेगुलरली करूची एटा तारो गोटे रेगुलर हैबिट ताले एठी इट विल ऑलवेज अग्री विथ कोन हमर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट संगरे ताले हिज वाइफ कोन हे जेबो सिट्स एट द गेट वेटिंग फॉर हिम क्वेश्चन नंबर 10 इट वाज डैश यूनिक साइट एठी हमको कहू छी कि हमको गोटे एप्रोप्रिएट कौन यूज करिवार अछि आर्टिकल यूज करिवार अछि ए एंड द नो एरर तो एरर किछि नाही ए एंड आउ द रही हम कौन करिवार अछि रिफिल करिवार अछि जेते बेले भी गोटे नॉन स्पेसिफिक नाउन विषय में कथार्ता करू अ यूनिक साइट एठी से को भी साइट को कौन करनी स्पेसिफाई करनी गोटे नॉन स्पेसिफिक नाउन विषय में कथबार्ता करू जिते बेले गोटे नाउन को हमें डेफिनेट की स्पेसिफिक कर दबा सेते बेले डेफिनेटली हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करिबा कौन द यूज करिबा बट एठी तो हमें एठी जो हम नाउन टा विषय कथा होचू अ यूनिक साइट सेटा से किछि को भी स्पेसिफाई करूनी को भी गोटे साइट को गोटे जनरलाइज माने गोटे रैंडमली गोटे साइट विषय कौच स्पेसिफिकता विषय कहनी से लगी एटी आम ए और आम एन यूज कर पार्थुबा तो जदि टिके भी आमको आर्टिकल उपर आमर कमांड वीक थी ताले आम एठी वावेल टा को देखिकी एठी कौन बसईदबा आम एन बसईदबा जोटा कि रंग होठी वावेल थी कि भी आ जगार कौ ऑप्शन टा ठीक हम ए ठीक हम कहीं ना वावेल वावेल र माने ना कि आम ए ए आई ओ यू को जोटि देखा से एन बसईदबा यू केस कन्फ्यूजन हुए वावेल साउंडिंग वर्ड्स पाखे कौन बसे एन बसे यूनिक यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म एगुरा सब पाखे केबे भी एन बसईबनी एगुरा पाखे सब कौन बसईब ए बसईब अम्ब्रेला जिते बड़े यूटा अ होकर प्रनाउंस हम से आम पाखे कौन यूज करूँ एन यूज करूँ तो जिते बड़े भी गोटे वावेल साउंडिंग वर्ड र कनसेप्ट आसीबो जेते गोटे वावेल साउंडिंग वर्ड र कनसेप्ट आसीबो सेते बेले आमर
आंड यूज हुए वावेल्स मानक आगे बट यूनिक जेहेतु गोटे कनसोनेंट साउंडिंग वर्ड्स अच्छी से आखिरी ए यूज कले आई द यूनिक सैट कले कहीं गोटे नॉन स्पेसिफिक नाउन एटर से नाउन टाक कि कौन करनी स्पेसीफाए करनी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 आई वॉज टायर्ड डैश आई मैनेज टू फिनिश द वर्क ये आमको कही कंजक्शन यूसेज करवा आम यूज करवा चार्टा जाक ऑप्शन दे एंड ऑल्दो बट आउ बिकॉज ओके देख प्रथम या को यूज करवा पूर्व आमर कनसेप्ट तो मुझे धड़की आंसर टा कहीदेवी कि तुम्हें भी जदि जदि ठीक कंजक्शन ठीक थी ठीक ठाक थी नॉलेज रो लेवल तेल तुम्हें भी ये एग्जाम मीनिंग टा को बुझी सारापर कहीदेव बट आवर पर्पज इन द पर्टिकुलर वीडियो इन द पर्टिकुलर सेक्शन और व्हाई वी आर डूइंग कंटिन्यूसली सच टाइप ऑफ सेशन आवर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज दैट नॉट टू सॉल्व ओनली 15 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस इन अ क्लास द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ सच सेशन इज दैट कि से 15 क्वेश्चन सॉल्व करिबा संगे संगे तुम्हें ता भितर रे थिबा जो ऑप्शंस रु डिराइव करथिबा ग्रामर रो रूल्स को सिखि दबो सो दैट कि ए ऑप्शन रिलेटेड आउ किछि एमती कंजक्शन पढ़ले सेगुरा भी तुम द्वारा कौन ठीक हे जिवो सेगुरा भी तुम द्वारा करेक्टली तुम्हें ऑप्शन टा को फाइंड आउट करि परिबो ताले आमे आर आंसर को डिस्कस करिया पूर्वरु आमे आगे बुझिबा कि सब यूज कोठी होंती एंड सब बेले गोटे जॉइनिंग सेंटेंस पाई कि यूज हुए जमीती कि मुझे दुटा सेंटेंस कंजक्शन राम हो कौन से दुटा सेंटेंस को जॉइन करे जदि मु कहबी आई वेंट टू द स्कूल माय ब्रदर वेंट टू द स्कूल दुटा सेंटेंस अच्छी जदि मुझे को जॉइन करने कि चाहेबी मुझेपरि आई एंड माय ब्रदर वेंट टू द स्कूल माने दुटा जाक सेंटेंस को गोटे से जॉइन कला जो से दुटा जाक सेंटेंस री मैंने ये मोटिवटा कमन थिला आउ जॉइनिंग बेले आम सब कौन यूज करुचु एंड यूज करुचु तापर मुझे बट को बट सब कौन दिए कंट्रास्ट मीनिंग दिए बट राम सब कंट्रास्ट मीनिंग जमीती कहबी हि इज इंटेलिजेंट हि इज लेजी तो इंटेलिजेंट हूँ जनकर पॉजिटिव एस्पेक्ट टू एप्रिसीएट करवा तो मेंटल एबिलिटी बहुत शार्प अच्छी से एप्रिसीएट कली लेजी कहीकि कौन करदेली डिमिन करदेली मैंने से बहुत अड़सुआ अच्छी गोटे अड़सुआ क्या कभी एप्रिसीएट करने कहानी तो जितेबाद दुटा कंट्रास्ट सेंटेंस को जोड़ापी चेस्टा करवा से आम कौ कंजक्शन को यूज करवा बट यूज करवा तो जो आमको जोड़ा आर सेन्सटा केमी आसब He is intelligent, but he is lazy. से इंटेलिजेंट तो अच्छी तादर किसी डाउट ना कि कौन हम सी लेजी अच्छी बिकज के यूज करूँ जिते बड़े आम कौन करूँ गोटे गोटे सेन्टेन्स रिजन देखा जमती कि मुझे कहबी आई कुड नॉट अटेंड हिज मैरिज आई वाज इल तो जिते बड़े मुझे यही टाइप्र सेन्टेन्स को जोड़ी फर एक्जाम्पल मुझे कि मुझे बाहर को जापरि कहीं मो देहटा कौन थी खराब थी तो मुझे जोड़ा बेले कहीपरि आई कुडंट अटेंड हिज मैरिज बिकॉज आई वाज इल जिते बड़े भी आम गोटे रीजन रिलेटेड कौन करूँ दुटा सेन्टेन्स को जोड़ू था से आम कह कौ कंजक्शन यूज करूँ आम बिकॉज यूज करूँ ऑल्दो केते बड़े यूज करूँ ऑल्दो से यूज करू या स्वत्ते भी जदि ओडिया आम कह स्वत्ते भी माने इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट पाखे आम सब कौन करूँ ऑल्दो यूज करूँ फॉर एग्जांपल मु कहबी आई वाज टायर्ड डैश आई मैनेज टू फिनिश द वर्क ता माने कौन कि मु बहुत थकी जाइली बट थकी मोर जो टायर्डनेसटा मत ये सपोर्ट कलानी कि मत मो कमटा मानने न कम्प्लीट हमारे रोकवाई कि मानने मो कमटा को मो टायर्डनेस सत्ते भी कौन कली कम्प्लीट करदेली तो से आम इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर सेन्स जिते बड़े गोटे सेन्टेन्स डिराइव हुए से आम कौ कंजक्शन टा यूज करूँ ऑल्दो कंजक्शन ताले आर ये कम्प्लीट को आंसर टार ठीक ऑल्दो टा ठीक हो गोटे छोट एग्जाम्पल देवी जिते बड़े मुझे आईसीएसई दौली क्लास 10 सेतेबेले कौन है ना आम रिजल्ट आसला तो ऑल इंडिया रे गोटे झीओ आईसीएससी रे टॉप करथिला आ गोटे स्टोरी सेतेबेले आई डोंट नो टू व्हाट एन एक्सटेंट से स्टोरी टा ठीक थिला कि भूल थिला बट से इयर रे गोटे झीओ ही टॉप करथिला आईसीएससी आ माने ऑल ओवर इंडिया आईसीएससी इज इन गोटे पूरा थ्रू आउट द नेशन तार स्कूल थाए तो रिजल्ट भी टॉप जे करे गोटे पिला बाहर जे ऑल ओवर इंडिया टॉप करथाए स्टोरी थिला कि तार एग्जाम रो सम 1 मंथ किंबा 15 डेज पूर्वरु आउट ऑफ इलनेस द मदर एक्सपायर कर जाइले बट ता सत्ते भी सी आईसीसी रे ऑल इंडिया रे रैंक 1 आनी तो ए टाइप रो सिचुएशन एटी कहिबार मीनिंग मीनिंग टा बुझो मु काहे कि कहली जदि
जदि मु कहबि ए जो सिचुएशन टा को जदि मु सेंटेंस रे फ्रेम करिया को चाहिबि तले मु केमथि फ्रेम करबि दैट दैट पर्टिकुलर ता नाम मन करो सब किछो गोटे ना दे देबा रश्मि दे देबा रश्मि टॉप्ड इन द ऑल इंडिया आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्दो द हर मदर एक्सपायर्ड 15 डेज जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन ता माने जदि 15 दिन रो पूर्वरु तांको मां चली जाइथिबा परे भी स्वते भी से कोन कला एग्जाम टा एग्जाम रे ऑल इंडिया रैंक 1 आनेला तो ए टाइप रो सिचुएशन को जते बेले आमे डिस्क्राइब करू ए टाइप रो सिचुएशन को जते बेले आमे कोन करू रिप्रेजेंट करू सेते बेले आमे ऑल्दो ऑल्दो रो माने होची इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट नोट्स रे मेंटेन कर दबो नोट रे मेंटेन कर दबो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इन spite of the fact okay in spite of the fact pai ke ame kon use karu although use karu tapra asla question number 12 he is accustomed to dash late on special occasion acha verb ra gote form वर्ब रो गोटे फॉर्म जेरंड बोली जाना थी वो जेरंड वर्ब रो गोटे फॉर्म अच्छी जो थे वर्ब टा को फॉर्म रे थाए वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म रे थाए वर्ब प्लस आईएनजी ए आरो कॉन्सेप्ट कौन है ची इट्ठी यूज है ची आरो कॉन्सेप्ट आमे इट्ठी यूज कर ची जित्ते बेले भी मुग लिस्ट ऑफ वर्ड दे दो ची जित्ते बेले भी आमे वर्ड्स को टाइप रो वर्ड्स आमे सेंटेंस रे देखिबा लुक फॉरवर्ड टू ओइंग टू prone to with a view to given to addicted to accustomed to used to jitte bele bi ame a type ro a words kura nijo sentence re paiba ta pore verb ta sabu bele nijo sangre kon nabo ing mane se gerund form rahi taku kon karibo follow karibo mane rakhibo a type ro word looking forward to owing to prone to with a view to given to addicted to accustomed to used to a type of words jete bele bi ama sentence re use hobo sabu bele all these words will take gerund with them gerund mane verb ro ing form re seta thiba darkar example dekho he is addicted to what smoking eta kebe bi bhul re koibani he is addicted to smoke sense alaga he jiba sentence ra hela jale sabu bele ame kon koiba he is addicted to smoking I am looking forward it is incomplete achi sentence I am looking forward meeting him I am looking forward meeting him ta mane mu taku bahut shighra kon karuchi dekha kariya pai ke jauchi jete bele bi amar ei type ro word look forward to owing to prone to given to ei type ro word jete bele ama sentence re use heithibo it will always carry the verb in its gerund form तुम्हें डायरेक्टली आम कही पारा जेरंड से वर्ब को कौन करिबो कैरी करिबो जदि आम क्वेश्चन आम देखिदबा ये कौन यूज होती अकस्टम टू यूज होती डायरेक्टली कह कौट जेरंड फॉर्म रे वर्ब एग्जिस्ट करुचे गेट्र ऑप्शन नंबर बी रे वर्ब टा कौन अच्छी गेट टा कौन अच्छी तार जेरंड फॉर्म रे अच्छी ही इज अकस्टम टू गेटिंग लेट ऑन स्पेशल ओकेजन सब भल ओकेजन रे तार आदत अच्छी कौन से जाकि डेरी रे पहुँचे आम सांग भितर गोटे तो एमती सांग थाए ना जिते बड़े किसी भी गोटे ओकेजन कर चाहे सीटा कॉलेज गेट टुगेदर हो एग्जामिनेशन हॉल हो कि आम जब किसी फेयरवेल पार्टी दौचे सब सी सब बड़े कौन हम स्पेशल अपीयरेंस कि लेट्रे जा पहुँचव सेमती सब ग्रुप रे गोटे गोटे पिला था सब फ्रेंड सर्कल रे गोटे पिला तो सेमती थाए तो से भाई पिलाई केमती जिनस कई ही इज अकस्टम टू डैश लेट ऑन स्पेशल ओकेजन ही इज अकस्टम टू गेटिंग लेट ऑन स्पेशल ओकेजन्स कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 इट वाज सो नॉइजी दैट वी कुड डैश हियर आवर सेल्फ सेंटेंस रो मायनेटा बुझीबा एटा से जगटा एते साउंड करूला सेठी एते नॉइज प्रोड्यूस होता दैट आम कौन कलुनि आम अब सुनी ही किसी पार्लुनि आम ईच अदर कथबार्ता वी कुडंट हियर आवर सेल मु ऑलरेडी कहू को आंसर कही सारे आर ऑप्शन किए हो ऑप्शन नंबर डी शुण आर सॉल्व कर दबाटा एटी कुडंट जानी दबाटा आंसर इज नॉट इज अ वेरी बिग थिंग वी शुड नो कि एटी काईकी ओंट हेलानी मस्ट नॉट हेलानी कैन नॉट हेलानी कुडंट काईकी हेला सब बेले कैनटा गोटे एबिलिटी कि यूज करा जाए कैनटा कौन कि यूज करा जाए गोटे एबिलिटी कि ताहले कैन को जदि मु आई एम यूजिंग फॉर व्हाट एबिलिटी ताहले
कैन इज यूज फॉर शोइंग एबिलिटी तो जितेबले भी इनएबिलिटी को हम एक्सप्रेस करबा ताले हम को जिंसटा एक्सप्रेस करबा कांट को एक्सप्रेस करबा कैन कैनॉट जहाँ को हम कहूँ तार शॉर्ट फॉर्म जोटा को मु कांट बोली कहूँगी यहीटा सब वाले क्या एक्सप्रेस करे इनएबिलिटी को एक्सप्रेस करे इनएबिलिटी जितेबले प्रेजेंट मानने प्रेजेंट स्टेट रे तुम्हें इनएबिलिटी को एक्सप्रेस करुथुबो कौन कह कांट कह जमी मत फॉर एग्जांपल मोर एग्जाम अच्छी अक्टोबर 15 रे आ मत मो फ्रेंड कह कि अक्टोबर 13 गोटे फिल्म रिलीज हो तू आम सागर पार्टिसिपेट करे मुझे कह कांट गो ता मैंने कौन आई डोंट हाव द एबिलिटी टू गो नाउ बिकॉज़ माय एग्जाम इज वेरी नियर मो परीक्षा आसूँ मो फिल्म देखा जापरिनी से कौन कहबी कांट कहबी जितेबले आम प्रेजेंट एंड प्रेजेंट स्टेट रे गोटे इनएबिलिटी को एक्सप्रेस करूँ से आम कौन कौ कांट कौ बट जितेबले आम आम पास्ट रे को इनएबिलिटी को एक्सप्रेस करूँ से आम कौन यूज करूँ कुडंट यूज करूँ कौन यूज करूँ आम कुडेंट आम यूज करूँ कुडेंट जमीती कि मुझे कि गोटे एग्जांपल नबा ये तो गोटे बढ़िया एग्जांपल अच्छी कि से जगटा एत नॉइजी थिला कि वी कुडेंट हियर आवर सेल्फ आम निज कथबार्ता भी कौन करूँ शुणी पार्नु जदि कटक कह जो बड़े बादामबाड़ी छक बहुत सारा बसेस कौन होता है बाहर थाए से जगार ठिया होते 5 मिनिट ठिया होते हेडाक हाँ लगे कहीं एत हर्न एत हचपच लोक चढ़ुं लोक बाहर बस ये कर नॉइजी जगार आम जब कथ जन जो दूर ठिया ही डाकिले भी से सुबाजार चान्स न था तो से आम कौन कह इट वाज सो नॉइजी दैट ही कुडंट हियर मी मुझे डाकिली बट से शुणी पारे कहीं से जगह से नॉइजी थी जितेबले पास्ट रहा कोई इनएबिलिटी को आम एक्सप्रेस करूँ से आम कुडंट यूज करूँ प्रेजेंट जमी कहली मो सांग मत कहला कि फिल्म रिलीज होम सागर चले बट मोर परीक्षा थोड़ा अटेंड कर पारिनी से ही प्रेजेंट स्टेट में मुझे कौन कहीपरि आई कैनट अटेंड मुझे डायरेक्टली कहीदेपर आई कैनट अटेंड द मूवी विथ यू बिकज माई एग्जाम आर नियर ओके ताले ए फाइन जो थिन लाइन डिफरेंस टा को मन रखि थिबो प्रेजेंट रे थिले सेटा को इनएबिलिटी जदि एक्सप्रेस करिवो कांट रहिबो से सेंटेंस रे पास्ट रे थिले एटा हमर कोन रहिबो कुडंट रहिबो हमर सेंटेंस रे भी कोन थिला पास्ट रे थिला वी वेर नॉट डिस्कसिंग कि प्रेजेंट स्टेट रे किछ होतला बोली वी वेर डिस्कसिंग द इनएबिलिटी टू हियर आवरसेल्फ व्हिच वाज हैपनिंग इन द पास्ट सेति लागि हमें ताको कोन कहले कुडंट कहले कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन रन फास्टर लेस्ट यू डैश मिस द बस जितेबले भी आम लेफ्ट रो कंजक्शन यूज करूचे सेतेबले लेस सांगरे मन रखी था सब बेले किए अग्री करे शुड लेफ्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड लेस सब बेले गोटे नेगेटिव पर्पज पाई यूज हुए आ माने कौन है सेंटेंस रो कि जदि तुम्हें शीघ्र न दौड़ ताले बस को कौन करदेव मिस करदेव लेस सब बेले गोटे नेगेटिव पर्पज पाई यूज कराए जितेबले आम किसी नेगेटिव जिनस को कन्वे करने चाहूँ विदाउट यूजिंग नो नॉट नेवर से आम लेस्ट यूज कर पारा एंड मन रखी थो गोटे गोटे फॉर्मेट थाए कि आपरे ये ही आसपार है लेस्ट हूँ भितर गोटे लेस्ट जितेबले भी रख इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड कुड मे माइट एगुरा सब हो पारनी ये खाली गोटे ऑप्शन हो पार शुड ही हो पार तो आंसर हो रन फास्टर लेस्ट यू शुड मिस द बस जदि तू शीघ्र न दौड़ू ताले बसटा कौन हो मिस कर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15 डैश रियलाइज दे हैड मेड अ मिस्टेक देन द कंपनी वेंट बैंक्रॉप्ट एटी गोटे नो सुनर र यूज आम देखा चारटा जाक ऑप्शन रे नो सुनर अच्छी प्रथम ऑप्शन कौन नो सुनर हार्ड दे एटा गोटे ऑप्शन हो पार हार्ड दे नो सुनर एटा तो प्रॉपर स्ट्रक्चर रे ही ना एटा पढ़ु पढ़ु आम जानचे भूल अच्छी नो सुनर दे हैड आ भितर भी पिला कन्फ्यूज हे नो सुनर दे डिड एटा भी नो सुनर स्ट्रक्चर नुहे जितेबले भी नो सुनर कौन हम सेंटेंस फर्स्ट पार्ट रे जितेबले नो सुनर यूज हुए सेतेबले मन रखि थिबो एठी गोटे इनवर्ट वर्ड ऑर्डर प्ले हुए इनवर्ट वर्डर माने कौन ऑक्सिलरी वर्बटा सबुबले कार मैंने कार आगे लगे सब बड़े सब्जेक्ट आगे लगे ए सेंटेंस सब्जेक्ट किए दे तो देर आगे कौन लगुच
हार्ड आसी जाऊँगी तो दे हार्ड इटी लगी कौन हो पारे अग्री करनी नो सुनर जिते बड़े भी बिगनिंग अफ द सेन्टेन्स आसो मुझे एक्जामपल आपर कि एक्जामपल कहीदेवी नो सुनर उपर तो नो प्रथम आम यही क्वेश्चन टाक आगे सल्व करवा तो नो सुनर जब भी आम कौन करवा देखा कि सेन्टेन्स रिगनिंग में नो सुनर लगी आम गोटे इनवर्ट वर्ड अर्डर प्ले करवा दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब विल ऑलवेज कम और विल ऑलवेज बी प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट ताले सब्जेक्ट एटी थिला मोर दे ता पूर्वर मोर कौन आसीगला हैड नो सुन हैड दे रियलाइज्ड दैट दे हैड मेड अ मिस्टेक देन द कंपनी वेंट बैंकक्रॉप्ट नो सुनर सबुबले विल बी फॉलोड बाय देन परीक्षा रे एटा तो एटा गोटे टाइप रो हेगला किंतु परीक्षा रे आउ गोटे भी फॉर्मेट रे क्वेश्चन आसे एरर डिटेक्शन कहि दे कि ए देन टाकू देन कर दबो व्हेन कर दबो आउ गोटे कौन करदेव तो देन व्वेन किसी भी आप यूज हो पार्बनी नो सुनर पाखे सब बेले कौन यूज हम दैन यूज हम नो सुनर विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय दैन ए रूलटा कौन कर लिखी नब नोट्रे आउ गोटे मन रखिए नो सुनर जिते बड़े भी बिगनिंग अफ द सेन्टेन्स यूज हुए से ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑलवेज प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट आउ कि एग्जांपल भी मुझ नो सुनर उपर कहीदे सो दैट कि पूरा क्लीयर होमि इनवर्सन होदी मुझे कहि नो सुन हैड आई रिसीव हर कॉल देन आई लेफ्ट फॉर द फॉर हर प्लेस तो मैंने ये नो सुनटा आसला तो आई हैड रिसीव हैलानी हैड आई रिसीव द कॉल होगा देन आई लेफ्ट फॉर द प्लेस सेन्टेन्स मान कौन एज सुन एज आई रिसीव हर कॉल आई वेंट टू हर प्लेस मुझे इमिडियेटली फोन पाओ पाओ घर पर कौन है बाहर घर जाइ पहुँचिली से नो सुनर बिगनिंग अफ द सेन्टेन्स यूज हो जाए थव आई हैड नी हैड आई होगा सब ऑक्सिलरीटा कौटे आस सब्जेक्ट रगे प्लेस हे आउ गोटे एग्जांपल नो सुन हैड शी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट देन सी स्टार्टेड द नेक्स्ट तो मैंने आज सुन आज सी कम्प्लीटेड वन प्रोजेक्ट सी बिगिन अनादर प्रोजेक्ट जिते बड़े से तरह गोटे प्रोजेक्ट सरीगला सी आउ गोटे प्रोजेक्ट करवा स्टार्ट करदे तो सेन्टेन्स रिगनिंग में नो सुनर यूज हो तो अर्थटा सी हैड नएक हैड सी होगा ए इनवर्टेड ये जो सेन्टेन्स क्वेश्चन टा सल्व कला बेले आर जिते बड़े सल्यूशन तुम जो नोट्रे लिखु थत मेनसन करदेव ये जिनसटा को क्लीयरली कि नो सुनर जिते बड़े बिगनिंग अफ द सेन्टेन्स यूज हुए से इनवर्ट वर्डटा सब आसे इनवर्ट वर्ड माने कौन हाउ द इनवर्ट वर्ड गेट प्लेस तो मैंने सब्जेक्ट आउपर ऑक्सिलरी आम यूज कर था जमीक ये देखा दे हैड फॉर्म न आसिकी से कौन हो जाए हैड दे जाए ऑक्सिलरी सब आग को पल आसे आउ गोटे जिनस भी मेनसन करदेव नो सुनर सांगर सब कौन जाए दैन जाए केबे भी देन व्हेन ए सब जिन प्लेस दे पारिबनी विद नो सुन ओके ऑप्शन ए थिला तर करेक्ट आंसर तो आज जो क्लास रे हमें 15 टा क्वेश्चन डिस्कस करले होप तुम्हें से क्वेश्चन को निजे आगे सॉल्व करथिबो तापर ही तुम्हें से क्वेश्चन को कौन करथिबो आंसर संगे कंपेयर करथिबो कमेंट सेक्शन रे निजे केते सब स्कोर कलो आउट ऑफ 15 के 12 रखिल के 10 रखिल के 9 रखिल के 8 रखिल कि 1 भी रखिल भी जदि ताहले भी सेटा कमेंट सेक्शन रे सियरली मेंशन करिवो आई गो थ्रू ऑल कमेंट्स और जदि किसी वैल्युएबल फीडबैक थिबो ताहले भी कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणेइबो सुन मु जदि सेंटेंस उपरे आउ जो क्लॉजेस उपरे गोटे कमेंट्स आसीथिला कि ता उपरे क्लास दरकार सेटा सीजीएलई पई कि इंपोर्टेंट अछि यस डेफिनेटली से चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट आ बहुत ट्रिक्स भी ता धेरे थाए आई विल डेफिनेटली कम वेरी सून विद दैट चैप्टर बट मोस्ट इंपोर्टेंटली वीडियो टाकू शेयर करिबो लाइक करिबो आउ चैनल को सब्सक्राइब करिबो बिकॉज ऑल वैरायटीज ऑफ क्लासेस जो ऑल सब्जेक्ट्स हमर आसुची मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश ओडिया सबू किछि गोटे ही चैनल रे तुम्हें गोटे प्लेटफॉर्म रे सब बेस्ट जिनस गुरा पाई जाउछो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो डिस्कशन ए वेरी सिमिलर एग्जाम पैटर्न लाइक क्वेश्चन तो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कमेंट सेक्शन में निज स्कोर गुड़ा कह जो मैंने भी ए 15 टू क्वेश्चन आम डिस्कस कले जदि ए 15 क्वेश्चन में प्रतिदिन आम 15 टू 20 क्वेश्चन आम 30 मिनट भितर डिस्कस करवा ऑल दिस क्वेश्चन्स आर दोज क्वेश्चन्स व्हिच हैव कम इन एग्जाम और व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन्स हैव कम इन एग्जाम पूरा एग्जाम पैटर्न रही क्वेश्चन जदि ए क्वेश्चन रे तुम अबव 12 किंबा अबव 13 स्कोर करुच ए वीडियो रो एंड रे ताहेले डेफिनेटली तुम गोटे बहुत भल एज रे इंग्लिश पार्ट्रे तो अच्छ इंग्लिश पार्ट्रे तुम डेफिनेटली एग्जाम रे बहुत भल कर आदि स्कोर कमुची जदि 10 बिलो आसी जाऊँ कि 12 बिलो आसी जाऊँ नथिंग टू पैनिक जो आम पूरा ये सीरीजटा कंटिन्यू करवा तो कम्प्लीटली आम
प्रतिदिन जदि 15-20 क्वेश्चन करुचे तो टिल एग्जामिनेशन आम पाखापाखि 200-300 क्वेश्चन करथिबा आ 200-300 क्वेश्चन कले मैंने 200-300 रूल्स जानथिबा तुम्हें से रिलेटेड जिते बड़े क्वेश्चन एक्जाक्टली परीक्षा देख तुम्हें सल्व कर पार बट मोस्ट इंपोर्टेंटली जब भूल करुच तेल देख कि सल्यूशन पार्ट्रे कि एनालीसीस पार्ट्रे कहीं तुम से भूलटा है आउे रूलटा को प्राक्ट करके टाइप क्वेश्चन कर तो होप यू विल लाइक द वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू.